पहिला चेंडू वाईड बघा पहिल्या सामन्याची सुरुवात नोबल न झाली होती आजच्या दिवसाच्या आणि शेवटच्या सामन्याची सुरुवात वाईड न झाली आहे पहिला स्कोरिंग शॉट बडा हिट ओव्हर लॉंग ऑन ऋतिकच्या बॅटमधून निघालेला कडक कडकडीत प्रहार कम क्रिकेट क्लब कर चषक चेषक दोन हजार तेवीस सात धावादाउट लॉस सेवन रंस द लास्ट मैच ऑफ द डे प्री क्वार्टर फाइनल क्या बात है और ये जबरदस्त ताकत और जबरदस्त एडजस्टमेंट uh, अपने क्रेज का जबरदस्त यूज और रूम बनाने में जगह बनाने में माहिर खिलाड़ी मिस्टर रुथिक गजर पिछले साल मैंने इसको बारसी के भगवंत मैदान में देखा था और खतरनाक से खतरनाक इन्हें इसको अंजाम दे रहा देता जा रहा था ये बल्लेबाज हाइट कम फाइट ज्यादा ये अपना कायदा ऋतिक गजर वैसे तो रुदिक गजर को बाद में मैंने कुछ जामखेड में भी देखा था बारशी के पहले जामखेड में देखा था और वहां पर भी बेहतरीन से बेहतरीन इनिंग्स को अंजाम देता जा रहा था और हाब को अपने नाम किया था तब तालुका वाइज की टीम नितिन नाना पास्पुते इनके कप्तान मिड विकेट दिशाला कैसा पैरल स्विंग पैडल स्वीप स्लॉक स्वीप मनुया एक था, दोन धाव दोन धावा धाव संख्या नौ असेल दोन चेंडू नौ अशी धाव संख्या इलेवन सिरूर संकल्प इलेवन सिरूर इकड़े संचिता इलेवन कारखाना काफी बाहर है काफी बाहर है हमारे अंपायर के हाथ भी बाहर है और बता रहे की भाई ये गेंद जो है वो नियमों के बाहर है रामभाव जोशी हाईस्कूल कर कम और इस ये ये हाईस्कूल का मैदान हमेशा बड़ा योगदान के सी सी ट्रॉफी ट्वेंटी थ्री ही नहीं इससे पहले भी डेड बॉल का करार दिया अंपायर ऑस्टम के बीच बीच में से निकलने वाले पहले गेंदबाज है टेनिस क्रिकेट में ये थोड़ा सा अंदर थी और शपल कुछ हुए बॉल की तरफ अब रुक कर चुके थे कहना शायद होगा हमारे एम्पायर का वैसे शफल का रूल आजकल हमेशा दिखता है एक कवर के, स्वीपर कवर के ऊपर से कड़ा और बड़ा शॉट है जड़ा खिलाड़ी ऋत् गजर नाम का बहुत ही बड़ा जबरदस्त शॉट ये भी सफल होकर गेंद तक पहुंचे और अच्छा इनसाइड आउट खेला कुछ सुरेश रैना रविंद्र जडेजा दिनेश मोंगिया जैसे बल्लेबाजों की याद आई हेलीकॉप्टर मारा वन बाउंस और छुलिया बाउंड्री लाइन का किनारा चार रन धमाकेदार खेल चल रहा है यहां पर ये एक प्री क्वार्टर फाइनल मैच का 20 रन बगैर विकेट और आखिरी गेंद मारा इसको भी मारा इनसाइड आउट डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर स्ट्रांग जोन है वो एरिया कवर एक्स्ट्रा कवर एरिया मैंने कहा था मिस्टर सुदाम ये पहले स्पिनर है हमारे टूर्नामेंट के लेग बेग बॉलर और अब ये जो गेंदे हो रही थी आ रही थी वो ऑफ स्पिन थी और बल्लेबाज के लिए चौबीस एक ओवर के खेल के बाद और मेरे ख्याल से चौबीस रन अब तक का एक ओवर में क्या सबसे ज्यादा रन है सबसे शायद अट्ठाईस रन का एक ओवर ओवर इससे पहले हमने देखा है तो ये 24 सबसे ज्यादा स्कोर नहीं हो सकता एक ओवर में 38 भी है जी हाँ 38 भी है और 28 भी। दोनों ने मिलकर आखिरी दो गेंदों पे दो छके सहवाग साहब तो आया था ओवर 38 रन जी हा आता है कभी कभी ऐसा भी कुछ बुरा वक्त खिलाड़ी के आ, करियर में चलते रहेगी ये सारी चीजें जब तक ये खेल है तब तक संचिता 11 कारखाना चौबीस रन बना डाले पहले ओवर में दादा साहब 700 मैच का लुप्त उठा रहे हैं हमारे टूर्नामेंट में उन्होंने स्पोंसरशिप दी है और वो स्पोंसरशिप गेंदों की है 6 अगर 6 ही मैचेस पकड़े अपने पर हर दिन तो बारह बॉल बहुत मुश्किल है और दस दिन के एक सौ ये छ बड़ा मतलब ऊपरी माला लगा ऊपरी माले पे ये डिक्लेयर जोन से ऊपर और छक्का कुल कुछ रूल्स बने हैं वहां और उसके आधार पर ये छक्का तो तीस रन टोटल एक पॉइंट दो ओवर के खेल के बाद रामलिंग इलेवन शिरूर गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त पिछले मैच में काफी कम रनों पर रोका था शिरूर टीम ने चलिए पहले मैच में Uh, कारखाना टीम uh, इस मैच इस टीम से हारी थी शुरू से हारी थी लेकिन भाई अब यहां हिसाब वापस करना है बदला तो uh, बिल्कुल भी लेना है इस हिसाब से चल रहे कपिल का रोड ने बड़ा हिट मारा स्क्वायर के ऊपर चक्का क्या बात है खतरनाक कनेक्शन हार्ड ये गेंद लेकिन फिर भी जबरदस्त इस गेंद को पिकअप किया सीने की ऊंचाई पर पिकअप किया कमाल के खिलाड़ी है यह भी हाइट कंपाइट ज्यादा देखिए सीने के आसपास कमर और आ, मतलब सीना और पेट इ, इसी बीच इस, इस हाइट पर इस गेंद को पिकअप किया सही टाइमिंग टोटल छत्तीस डेडोर देडो, डेडोर के खेल के बाद यह नो बॉल नो हाफीज डाला और विकेट शॉट डाला बाळा शिंदे महाराष्ट्र पोलीस हा सोमनाथ पाटील आणि कंपनी जरा पलीकडे बाजूला बसूया सदुतीस नाबाद फ्री हिट असेल क्या बात है ये वन बाउंस और बाउंड्री पार चार बहुत जबरदस्त बैटिंग ये चौको और चौको चौका और छक्को में डील इक्यानवा क्या छक्का इससे पहले देखा और कुछ इकतालीस ना चौका नंबर कौन सा है देखना है बाद में जरूर देखेंगे इसको लेकिन ये बेहतरीन गैप मिड ऑन अंदर उसके बाद चलिए बदला यहाँ पर कुछ आखिरी स्टेज पर लेने की कोशिश कारखाना द्वारा होगी लेकिन टीम जबरदस्त है इस बार जबरदस्त इस बार जबरदस्त ये स्विंग था गेंद में चले कुछ यहाँ पर अंबार साहब वो गेंद आखिर कहा पीछ हुई वो देखना चाहते हैं पांढऱ्या लाईन वरती हा चेंडू आहे एक पॉइंट पाच नंतर एक पॉइंट पाच नंतर एक्केचाळीस एक वन बाउं या ठिकाणी गॅप डीप कवर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून सीमा पार के सी केसीसी चषक दोन हजार तेवीस चौकार जबरदस्त गॅप धावसंख्या मात्र पंचेचाळीस आणि नाबाद दोन षटकाचा खेळ संपला टीम इलेवन कारखाना श्री गोंदा नगर जिल्हा तर रामलिंग इलेवन श्रीरूर पुणे जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मध्य महाराष्ट्र अशी लढाई तर दोन्ही बाजूने जबरदस्त लढाई मै मै तो तू क्रिकेटवाला होतो तू, तू प्री क्वार्टर फायनलची ही लढत आहे आणि प्री क्वार्टर फायनल जिंकणं तितकी सोपी गोष्ट नक्कीच नसते कारण प्री क्वार्टर फायनल पर्यंत आलेल्या ज्या टीम आहेत त्या मात्र आपले सुरुवातीचे गट सामने खेळून जिंकून uh, प्री क्वार्टर फायनल पर्यंत आलेले uh, असतात आणि मग असं लढून झगडून संघर्ष करून इथपर्यंत पोहोचल्यानंतर मग मात्र uh, या स्टेजला आलेल्या दोन्ही संघाच्या ताकदीचा जर आपण अंदाज बघितला ताकदीचा जर अभ्यास केला तर दोन्ही संघाच्या ताकदीमध्ये विशेष फरक जाणवत नाही आणि मग मात्र कसं लागतो कसदार अशा खेळाची आपल्याला मात्र अनुभूती येते हा चेंडू रिव्हर्स स्वीप करायचा रिव्हर्स स्वीप करताना मात्र चेंडू खूपच दूर एस रक्षकाला सुद्धा खूप लांब जाऊन अडवावं लागला दरम्यान व्हाईट कॉल आला ऋतिक सध्या क्षेत्र फलंदाज आहे आणि सूरज सूरज गवळी हा सुद्धा खूप चाललाय हा सुद्धा खूप हसला पेक्षा जास्त स्विंग आउट स्विंग मिस्टर सूरज सूरज अठरा वर्षाचा खेळाडू या भल्या भल्यांना मात्र अग्निपरीक्षा द्यायला लावतो भल्या भल्यांना भल्या अडचणीत आणि कोंडीत पकडतो तुडतुडीत बांद्याचा खेळाडू रिव्हर्स पुन्हा एकदा आणि डीप बॅकपूर्ट पॉइंटच्या दिशेनं खेळाडू तिकडे अडवला जाईल का पाहूया सुंदर चांगलं क्षेत्रक्षण दोन धावा घेतल्या गेल्या दोन वाईट नंतर हा या षटकाची सुरुवात झाली आहे तस तर पहिला मग चेंडू आला हा आणि चार धावा आल्या दोन वाईट सह एकोणपन्नास नाबाद पाच षटकाची लढाई केसीसी ट्रॉफी 2023 20, day one, Aramukabla last one, Akrika, 2.2 and uh, 49 total on the board. Kabil 20 from seven deliveries, and Ruthik 24 from from eight deliveries. Now it's a Ruthik on strike. Best with the best. चलिए भी नहीं कर पाए और बाउंड्री भी नहीं रोक सके मतलब दोहरा नुकसान आपल्याकडे मराठीत एक मन आहे ते गेल गेलं गेल गेलं हाती आलं तसा काहीसा प्रकार मात्र फिल्डिंग साइड बाजूला संचिता इलेवन कारखाना सलामीची जोड मात्र या ठिकाणी काही शीतळ ठोकलाय मैदानात अगदी डोके दुखी ठरते ही जोडी आणि टीम शिरूर संघासाठी कॅप्टन कोलंदाज सिनियर खेळाडू येऊन चर्चाच होते परंतु या जोडीला फोडायचं कसं हा एकच कस विषय चगळला जातोय अद्याप काही औषध नाही या जोडीला फोडायचं कसं याच औषध काही नाही बॅकपुट पॉईंटच्या दिशेला चेंडू सीमा बार जाईल काय येस बाउंड्री बार और ये केसीसी ट्रॉफी दो हजार तेईस चार रनों में बढ़ोतरी टोटल रन संख्या सत्तावन शून्य विकेट सत्तावन रनों की भागीदारी आज के दिन की मेरे ख्याल से पहले विकेट की सबसे बेहतरीन साझेदारी सबसे बड़ी साझेदारी चले निर्णय क्या होना है डिक्लेयर दो है दो के साथ में उनसठ आखिरी गेंद तीसरे ओवर की ऋतिक चौतीस पे ग्यारह गेंदों का सामना करने के बाद और कपिल पाजी बीस रन बनाकर सात गेंदों के ऊपर और सूरज पांच गेंदों पर चौदह रन वैसे खर्च कर्च, खर्च कर्च कर चुके हैं अच्छा ओवर हो साबित होता हुआ और शायद ये ओवर का ही डर बिल्कुल इस जोड़ी को और टीम को होगा लेकिन वो डर कब का भग भगा चुका है भाग चुका है अच्छी गेंद ये अंतिम गेंद डॉट कोई रन नहीं तीन ओवर उनसठ सिक्सटीन फिफ्टी नाइन आफ्टर थ्री ओवर्स एंड लास्ट टू डिवरी गो आखिरी दो आखरी दो ओवर्स आना बाकी आ, चला शिरूर संघाचे कॅप्टन जरा लवकर घ्या शिरूर टीम मोठमोठी नाव शिरूर भागातून आहेत तशी आजही आणि पूर्वीच्याही काळामध्ये शिरूर भागामधून मधूनच मदु, ज्यांना शिरूर तालुक्यातचा झहीर खान म्हटलं जायचे असे मिस्टर शरद खोरे मला वाटतं काय गणेश ठाणे सु, सुद्धा त्याच भागातून गणेश ठाणे आणि ज्यांना झहीर खान म्हटलं जायचं शिरूरचे असे शरद खोरे स्टार मोठे स्टार टेनिस क्रिकेटला दिले शिरूर तालुक्यानं पप्पू तोडकर सारखा आजच्या घडीचा टॉपचा खेळाडू सुद्धा शिरूर तालुक्याचाच मात्र रहिवाशी तसाच कुणाल खोंड सुद्धा रणजित फराटे सुद्धा एक चांगला खेळाडू लवली शॉट लेकिन दूरी नहीं है भाई यहा ऊंचाई सिर्फ दूरी नहीं कपिल गरुड़ का विकेट कारखाना टीम की सलामी जोड़ी यहां पर टूटी है उनसठ की साझेदारी यहां पर टूटी तीन पॉइंट एक के बाद उनसठ और एक विकेट लेकिन उनसठ रनों की साझेदारी बड़ी अच्छी नीव ये बड़ा अच्छा फाउंडेशन कुछ रन बना कर आउट बाळा शिंदेसाठी पहिला विकेट आता विकेटच पहिली चालली समोरच्या संघाची तर बाळा शिंदे मात्र पहिले सक्सेसफुल बॉलर उद्यापासून मात्र या ठिकाणी उद्या परत एकदम मला तर गावायचा हाप असेल आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत सोलापूरचा हिंदी आवाज टीम प्लीज आपण जी अप करताय बॅटिंग साईड चेंडू टाकताना आपण कुठल्याही प्रकारचा चेअरअप करू नका आपल्याला सुद्धा त्या निमित्तानं दंड होऊ शकतो तर सोलापूरचा हिंदी आवाज माझ्यासोबत उद्या असेल आणि धावतो वर्णन देण्यासाठी असेल मिस्टर शंकर पवार बोलतो एस पी सर उद्या सुद्धा परत एकदा दुसरा आणि शेवटचा ग्रामीण हाप असेल

चला परत एकदा चेंडूचं पिचिंग कुठं होतं ते बघायचंय वेअर ऑज द पिचिंग ऑफ द बॉल बिकॉज वी आर युझिंग सिमेंट विकेट चला नोबॉल या ठिकाणी घोषित केला जातोय नोबॉल प्लस वन अँड इम्पॉर्टंट थिंग दॅट नेक्स्ट डिलिव्हरी विल बी द्रि डिलिव्हरी अब ये फिर एक बार नो बॉल चलिए फ्री हिट पे फ्री हिट मिस्टर बाळा शिंदे महाराष्ट्र पोलीस कंट्रोल चेंडूर काय राहीन परत फ्री हिट फ्री हिट पे फ्री हिट बास एक गडी बात 14 शतक दुसरा चेंडू आहे या चेंडू ने आणि ते बाळा शिंदे फ्रीट चा चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव काढण्यात यश बाळा शिंदे दरम्यान तीन पॉइंट दोन षटकाचा खेळ नॉन स्ट्राईकिंग एन्ड वर आहे आणि स्ट्राईकिंग एन्ड वरती ऋतिक दिशेनं चेंडू स्क्वेअर कट किरण वेळीच ब्रेक दाबला ब्रेक असणं फार महत्वाचं मग जेवणाच्या गाडीला असो तुमच्याकडे असते ते टू व्हीलर असो फोर व्हीलर असो किंवा थ्री व्हीलर असो मनाची गाडी असो किंवा जेवणाची गाडी असो ब्रेक फार महत्वाचं आहे त्रेसष्ट एक बाद। तीन पॉईंट तीन षटकाच्या खेळानंतर Sharp breaker Kiran is going back. Good catch in the uh, uh, deep, and finally 64 for after 3.5 overs. Sanchita 11, Karkhana Sri Kiran goes back. चौसष्ट दोन गडी बाद आणि शेवट चेंडू चौथ्या षटकाचा बघूया चा। भिंतीला लागलाय का किंवा टच होतोय का परंतु इकडे पळून धावा काही आणि दोन सहासष्ट चार षटकाच्या काळानंतर सहासष्ट थंडीची तीव्रता काहीशी वाढवली वाढलेली आहे मग पर्यंत मागील एक दोन दीड तासापूर्वी थंडी काहीशी गुलाबी वाटत होती तीच थंडी आता काहीशी बोचरी वाटायला लागलेली आहे अंगाला झोंबायला लागलेली आहे आणि एक वाजून पंधरा मिनिटाचं टायमिंग पहिला डाऊ चाललेला आहे सासष्ट दोन गडी बाद अंतिम षटकाचा खेळ बाकी फाय हॉर्स मॅच दिस इज नॉट ऑफ सिक्स ओव्हर अँड इट्स गणेश हु इज काउंटिंग इज बॉलिंग रन अप फ्रॉम द कॉमेंट्री बॉक्स एंड ही विल पोल द लास्ट सिक्स डिलिव्हरीज

On the screen, that was a take huge and handsome, from the short man, Mr. Ruti gajar It's Ganesh again. Oh, far away from the batsman outside the off, far away from the outside the, uh, from the off stick, and that he uh, has been called wide, from main umpire, Mr. Saurabh sir. Very young guy he is, but uh, he, has in, he has been achieved uh, better things in this kind of a job. Oh, miss it. Out of age, but uh, into the slip cordon. No run result finally. rutik Got some mantras from his non striker partner. Oh, it's a lovely shot, over piece delivery, and with the horizontal bat, it's over the lung off. What a shot that is! Longest longest इससे पहले भी हमने बहुत लंबे छक्के देखे लेकिन सबसे लंबे छक्कों में से एक छक्का अभी अभी लगाया हुआ ऋतिक बिल्कुल ऋतिक इस वक्त कुछ आ, पचास के आसपास सैतालीस रन अठारह गेंदों पर गणेश कुछ दो बड़े हिट में में लग चुके हैं। प्लानिंग में बदलाव करना चाहेंगे प्लान ए सफल नहीं रहा प्लान बी की तरफ रुक करेंगे लेकिन प्लान बी होगा क्या ये तो भाई आने वाली दो गेंदों के बाद ही पता चलेगा चलिए पुरानी गेंद दे दीजिए दादा सतरे सर हमारे टूर्नामेंट के बिल्कुल बॉल के स्पॉन्सर्स हर दिन बॉल का हिसाब चल रहा था भाई छः मैचेस मतलब कुछ बारह गेंदे कुछ चक्र एक्स्ट्रा एक दो और गेंदे तो पकड़ी है कुछ चौदह गेंदे हर दिन दस गेंदे मतलब दस दिन मतलब एक सौ चा, चालीस गेंदे एक सौ चालीस गुना सौ तो चौदह मतलब चौदा चौदा हजार हो आ, टोटल उनस्सी सेव्हन्टी नाईन फोटो साडेचार ओव्हर खतम एकोणऐंशी धावा दोन गडी बाद तीन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे सत्तेचाळीस धावांवरती ऋतिक दुसरं अर्धशतक लगावेल का आपल्या कोट्यात आपल्या बॅटमधून खूपच बाहेर खूपच बाहेर पंचांना कुठलीच अडचण ना आली नाही की हा चेंडू वाईट डिक्लेअर करू करंट रन रेट सतरा पॉइंट अष्ट्यात्तर एटी ऐंशी दोन गडी बाद तस या संघानं मात्र पहिल्या डावात काही शा शंभर प्लस धावा लगावलेल्या होत्या एकशे आणि चौदा ते रेकॉर्ड इथं मोडलं जाईल का पाहूया लॉंग दिशेनं आत की बाहेर वन बाउंस बाउंड्री खेडक प्रहार केसीसी चषक दोन हजार तेवीस चौकार दरम्यान हा पंचेचाळीसावा चौकार तर आहा, केला हा हा खेळाडू पासून दूर होता हा चेंडू फटका दरम्यान धावा मात्र चौऱ्याऐंशी आणि ऋतिक एक्कावन अर्धशतक कॉंग्रॅच्युलेशन ऋतिक परत एकदा आणि दुसरं अर्धशतक oh, दोन अर्धशतकाचा मानकरी करी असा एकमेव खेळाडू आपल्या स्पर्धे आणि आणि आज दिवशी ऋतिक गजर ऋतिक गजरची जबरदस्त चेंडूवरची नजर अजून एक सिक्सर कडक प्रार केसीसी चषक दोन हजार तेवीस षटकार धाव संख्या नव्वद ऋतिक सत्तावन किती चेंडू राहिले साहिल या षटकात दोन तीन षटकार आतापर्यंत लगावले गेले या षटकामध्ये चोवीस धावा बनल्या पाच चेंडूर अजून एक चेंडू येणं बाकी तसं अडतीस धावाचं एक मोठं षटक आहे आपल्या स्पर्धेत आजच्या दिवसाचं थोडासा बाहेर होता दूर ठेवायचा प्रयत्न चेंडू डीप एक्स्ट्रा एक धाव दुसरी धाव मिळवल्या दोन धावा मिळवल्या जिंक ब्याण्णव झालाय म्हणया जिंकायचे पाच षटकाचा खेळ संपला चला अलटी लगेचच जे फाट्यावर होते त्या कोंड्यात जे कोंड्यात होते ते फाट्यावर लगेच अल्टी पलटी चला कॅप्टन कपिल पाजी आपली टीम घेऊन मैदानात या लगेच उतरायचे फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे तीस चेंडू त्र्याण्णव धावा चला कारखाना टीम फिल्डिंग लावा आणि टीम चेसिंग साइड म्हणजेच शिरूर ताबडतोब सलामीची जोडी पाठवून द्या मैदानात जो जीता वो अंतिम आठ अंदर जो हारा जायगा सीधा आपने घर तर मैदानात टीम दोन्ही दाखल होतील मात्र मंचावरती आपल्या स्पर्धेमध्ये दिल्या जाणार ज्या ट्रॉफीज आहेत त्या जा दिसत आहेत आणि मान्य श्री सचिन खंदारे साहेब खंदारे स्क्रॅप सेंटर करकाम यांच्याकडून या ट्रॉफीज आपल्याला या स्पर्धेसाठी लाभलेल्या आहेत बाहुबली ट्रॉफीज मोठ्या ट्रॉफीज चला शिरूर संघाचे कॅप्टन कॅप्टन सुदाम साहेब लवकर सलामीची जोडी पाठवून द्या बाहुबली ट्रॉफी आता बाहुबली ट्रॉफीज स्टोर रूम ला न्यायच्या कशा याच्यासाठी पंचायत झाली आहे एक एक ट्रॉफी उठाने के लिए बाहुबली को बुलाना पडेगा मिस्टर प्रभास को बुलाना पड़ेगा इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफिया बाहुबली ट्रॉफी एक दोन तीन चार नंबर पैटर्न नहीं फार वेगा नकिच एक आकर्षक ट्रॉफी है सचिन खंदरिया साहब थैंक यू सो मच चला सलामीची जोड चला लवकर सलामीची जोड मैदानात या कॅप्टन सुदाम साहेब आणि चला कोण पाठवताय हो सलामीची जोडी लवकर येऊ द्या हो मैदानात चला रंचेस ची सुरुवात लगेचच होणार आहे आपण ही सुरुवात आणि या रनचेसचा थरार अनुभव करूया स्ट्राईकिंग एंड वरती बॅट्समन विजय नॉन स्ट्राईकिंग एंड वरती बाळा पहिले श्रेय घेऊन येताना ऋतिक ऋतिक गचार छपल मात्र ऑफ स्टिक सोडून पुढे आले होते क्रीच्या कोपऱ्यापर्यंत आणि कवर एरिया चेंडू खेळून काढला वाईट यार करायचा प्रयत्न होता फल गोलंदाजाचा ऋतिकचा परंतु दोन धावा इथं मात्र लाभल्या फ्रीट फॉईन थर्डमॅन किंवा गली एरिया जबरदस्त फिल्डिंग आपलातून फिल्डिंग आणि uh, कॅप्टन कपिल अगदी त्या खेळाडूला देयला जागेवर पोहोचले खेळाडूच्या जागेवर पोहोचले शाबास शाबासकी दिली कपिल बाजींनी चार धावांना बा, दोन चेंडू नंतर अप्रतिम चेंडू जो च्या बाहेर ठेवायचा प्रयत्न चाललाय आउट ऑफ ठेवायचा प्रयत्न चाललाय एक रेग्युलर लाईन लेंथ वरती नियोजन गोलंदाजीच त्र्याण्णव धावाचं आव्हान आहे एका दुसरं षडक इथं नियंत्रित आहे आणि मग मात्र परिस्थिती असणार आणि ही ओ डायरेक्ट थ्रू नाही आहे कपिल पाजी एस टी रक्षक संग नायक कारखाना मैदान कारखान्याची टीम आणि हे मैदान मात्र आपल्या रामबाऊ जोशी हायस्कूल करकमच करकम करकम। संदीप भालके साहेब यांनी थोडस आम्हाला गायडन्स केलंय आणि त्यांचं म्हणणं आहे की नगर जिल्हा सुद्धा पश्चिम महाराष्ट्रातच येतोय तर आ, हरकत नाही अहमदनगर पश्चिम महाराष्ट्राचाच भाग येत असेल तर हरकत नाही पश्चिम महाराष्ट्र तर पश्चिम महाराष्ट्र मात्र चार धावा पाच चेंडू नंतर रामलिंग इलेवन शिरूर बोले तो संकल्प इलेवन शिरूर उज्जीच्या पंचांच्या नक्कीची इशाराची वाट मी पाहत होतो आणि हात बाहेर पंचा चेंडू नियमाच्या बाहेर एक्स्ट्रा धाव एक्स्ट्रा चेंडू अंतिम चेंडू टाकायचा आहे ऋतिक पन्नास प्लस धावा बनवणारा दोनदा पन्नास प्लस धावा बनवणारा आपल्या स्पर्धेतील एकमेव खेळाडू आतापर्यंत एकमेव खेळाडू वादा लेकिन खिलाडी टेनिस क्रिकेट के इस फॉर्मॅट मे बिलकुल दादा सामने है इस वक्त मिस्टर बाळा शिंदे महाराष्ट्र पोलीस बघू बॅटला लागलाय का वाटतंय तर तसं आणि षटकाची समाप्ती पाच धावा पहिल्या षटकानंतर अजूनही अठ्ठ्याऐंशी धावांची गरज हा सामना जिंकायला बघा गोलंदाजी कुणाकडे दिली जाईल मिस्टर कबिल मला वाटतं दोन शब्दांचा काहीसा उपदेश केला दोन शब्दाचा सल्ला दिला अमुक अमुक तमूक तमूक दादा सत्रे सर सामन्याचा आनंद घेत आहेत मला वाटतं आता निरोप घ्यायची वेळ त्यांची सुद्धा झालेली आहे कारण उद्या परत यायचं आहे आणि मला वाटतं त्यांची टीम ग्रामीणला असणार आहे ग्रामीण हाफ टू तर उद्या खेळायला यायचं आहे तालुक्याला आहे का अच्छा तालुक्याला टीम आहे सत्रे सरांची पाच धावा पहिल्या षटकानंतर आणि एंड वर आत्ता मिस्टर विजय विजय जाधव जबरदस्त चेंडू काहीसा हवेत झोका खेळत असलेला चेंडू गती काहीशी कमी केली होती गती परिवर्तन धीमा हार्ड लेंथ हार्दिक पांड्या टिपिकल डिलिव्हरी ओ हो क्या ये बल्ले पर लगा था निचला हिस्सा के नीचे से बल्ला ऊपर से आवाज हल्का सा लेकिन पीछे थोड़ा सा कैरी नहीं हुआ पांच रन पर रुका हुआ कुल स्कोर है तगड़ी टीम है ये और कुछ नगर जिले से ताल्लुकात रखती है कैसे नगर जिला भी कुछ वेस्टर्न महाराष्ट्र का है ही जिला है यह अभी पता चला हमको भी कोई बात नहीं थोड़ा सा भूगोल का ज्ञान हमें कम है पांच रन पे रुका हुआ कुल स्कोर है इस वक्त गेंदबाजी करता हुआ मिस्टर बालू और तीन गेंदों पे कोई रन नहीं तिरानबे रन जब बनाने हो उसमें तीन गेंदे अगर दूसरी ओवर की डॉट चली हो जाए तो भाई ये परफॉर्मेंस हाईफाई सही राय टॉस धीमा और मिड विकेट के ऊपर चक्का जबरदस्त टाइमिंग ऐसे ही कुछ गेंद की राह देख रहे थे अच्छी गेंद का सम्मान करने की कोशिश और खराब गेंद का बिल्कुल भी समाचार लेने की कोशिश में यह बल्लेबाज इस वक्त है विजय जाधव सात गेंदों पे नौ रन बनाकर खेल रहे वैसे ग्यारह टोटल और पावर प्ले की आखिरी तो गेंदे जिन दो टीमों के दरमियान पहला मुकाबला हुआ बिल्कुल वही दो टीमों के दरमियान अंतिम आज का मुकाबला हो रहा है बॉल गेले तिगड़े भरपूर हल्के से स्कोर आगे जाएगा ग्यारह से बारह जरूर होगा टू मोर डिलीवरी गो दर्शकों की संख्या काफी कम है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर रीजन में वाइट इज लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद बेहतरीन फील्डिंग लेकिन ये फील्डिंग के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े अतिरिक्त फास्ट हुए थे फील्डर्स वहा चलिए अगली गेंद इन स्विंग इन स्विंग हल्का सा और उछाल गेंद में जबरदस्त कंधे का जबरदस्त इस्तेमाल अपील होती रही और अपील ये उत्साह में ज्यादा थी विश्वास में कम थी दो ओवर के खेल के बाद कुछ तेरह रन अठारह गेंदे अः अठा, अठारह गेंदे और अस्सी रन यह है समीकरण अब यहां से आगे लेकिन टोटल जो बारह पहली गेंदे जो हमने देखी बारह गेंदों का मतलब पावर प्ले का जो खेल देखा वो पावर प्ले में अमुमन जो है पावर बल्लेबाजों का नजर आता है लेकिन इस बार गेंदबाजों का पावर अब भाई बड़ी मात्रा में यहां शुरू करना है रनों का शावर अब तक तो बल्लेबाज खामोश है वैसे सलामी जोड़ी जरूर मैदान में है लेकिन अब तक खामोश है धीमी गेंद ऊपर उठी है आसमान में तारों के शहर में आ गए हाथ में मैंने अभी अभी कहा था कि सला भी जोड़ी अभी भी मैदान में है लेकिन अगली ही गेंद पे ये जोड़ी टूट गई अगली ही गेंद पर ये जोड़ी जो है टूट गई तेरह रनों की साझेदारी खत्म हो गई नवीन फलंदाज हसन बॅटिंग करणे हो बहुत भारी परंतु आतापर्यंतचा खेळ लागला असेल तर येऊन सुद्धा कोणाची पाठी राहील अगदी स्कोरी कळेल आपल्याला वाट पाहू थोडेसे कळ काढू आपण आडे हाते वाली बात सीधा हमारे कॉमेंट्री बॉक्स मे हमारे ऑनलाईन स्कोर ने कॅच कर लिया बड़े प्लेयर है अंडर आर्म के प्लेयर है बॉक्स क्रिकेट। लेकिन ये देखिए कितना बेहतरीन ये शॉट, वैसे आहा, लग गई लगता है ये बॉल हमारे स्कोरर साहब, उन्नीस एक विकेट के नुकसान पे और तीसरी गेंद तीसरे ओवर न... की ऑफ स्टिक के काफी बाहर है वाइड करार है बीस बीस पर एक वैसे ये बीस रन पहले एक ही ओवर में बने थे जब बैटिंग कर रही थी टीम कारखाना श्री गोंदा चलिए तीसरी गेंद दोबारा और लेकिन आ हवा में है नीचे खिलाड़ी और ये क्या पकड़ी विकेट और एक तगड़ी आउट होते हुए बल्लेबाज इस वक्त मिस्टर हसन हसन मदारी इनकी बैट नहीं उतरी न... बिल्कुल भी यहां अपेक्षाओं पे खरी कुछ जल्दी ही आउट हुए एक छक्का जरूर मारा था उन्होंने और उसके बाद ही एक कैच थमा कर आउट हुए अब आ रहे हैं विशाल रामलिंग 11 शिरूर चलिए इससे पहले मैंने कहा था कपिल पाजी की टीम इससे पहले शिरूर टीम से हारी थी वो लीग स्टेज पे अब यहां नॉकआउट राउंड में अपने आप को कंट्रोल में अपने आप को स्ट्रांग जोन में अपने टीम को पाते हुए खुद को पाते हुए मिस्टर कपिल एंड कंपनी काफी बाहर है वाइड होनी थी हो गई सौरभ भावरे मेन अंपायर है उनके द्वारा अब इक्कीस और दो विकेटों के नुकसान पे ढाई ओवर का खेल खत्म ढाई ओवर का खेल बाकी जीत का लक्ष्य 93 का है मतलब देखिए अभी भी कुछ बहत्तर रन बनाने होंगे बहत्तर रन की आवश्यकता थी ये डिक्लेयर ये नहीं चार रन बाउंड्री का इशारा अंपायर का 25 टोटल स्कोर केसीसी ट्रॉफी छियालीसों का है इससे पूर्व छप्पन छक्के मार चुके हैं बल्लेबाज आज का दिन पहला दिन पहले दिन एक से बढ़कर एक सीन तो आने वाले आठ दिनों में कितना कुछ होगा भाई एक और रन मिलेगा छब्बीस रन और इसको दोबारा डालेंगे गेंद पास मिस्टर उतिक चलिए अपनी टीम की जो सुरक्षितता है वो सलाम में और उसको सलामत रखना चाहते होंगे फील्डिंग साइड क्योंकि इस वक्त सुरक्षित जोन में है शॉट कवर पे अच्छी फील्डिंग शॉट के साथ दौड़ पड़े दोनों पल्लेबाज सिंगल दौड़ा सत्ताईस रन दो विकेटों के नुकसान पे दो पॉइंट पांच ओवर खत्म बाला पांच गेंदों में एक भी रन नहीं और विशाल साहब दो गेंदों पर पांच रन इस वक्त स्ट्राइक पे, पे। मारा है जबरदस्त और ये अंदा धुंध बल्ला चला है कवर बाउंड्री के पार इसको कर दिया कवर पार आर पार कड़क प्रहार और केसीसी ट्रॉफी 2030 करकम चार रन संख्या इस वक्त ओवर के खेल के बाद इकतीस है अब बारह गेंदों का खेल बाकी है और कुछ बासठ रन बनाने होंगे बारह इकतीस हर ओवर में पांच छक्के एक ओवर में मारना बहुत मुश्किल है मुश्किल से मुश्किल है मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है चाव या मैदानात अखेरच षडक थोडस मात्र हा ही जी लढत आहे ती वन साइड झालेली आपल्याला बघायला मिळाली याच दोन संघाच्या दरम्यान आपण बघितलं होत कि कपिल पाजी यांना शंभर प्लस चेस करायला लावलं होतं आणि आता त्यांच्याच संघाला म्हणजे शिरूरच्याच संघाला शंभरच्या आसपास चेस करायला लावल्या अजून विकेट एक विकेटचं पतन एकतीस तीन गडी बाद ती तीन पॉइंट दोन षटकांनंतर रामलिंग इलेव्हन शिरूर मुश्किली नाही बहुत मुश्किल मे बहुत से बहुत मुश्किल मे टीम कारखाना श्रीगोंदा

हमें वक्त बचाना है कल भी आना है तो आज चलते चलते हैं घर पे ग, ग, मतलब घर की तरफ जल्दी थोड़ा सा और रिजल्ट का भी पता पता तो नहीं लेकिन अंदाजा तो आ रहा है मुश्किल से मुश्किल तैतीस पे तीन चौथी ओवर की पहली गेंद नो बॉल करार और नो बॉल पे ये चौका पंजा खुला है अड़तीस टोटल साठ माइनस पांच पचपन रन और आवश्यक है पचपन की जरूरत और गेंदों का जहां तक सवाल तो भाई छह और दो आठ गेंदे पचपन रन हर गेंद पे छक्का मारोगे तो भी बात नहीं बनने वाली है सात गेंदे और पचपन पैतीस तक जा सकते आप बयालीस तक जा सकते आप लेकिन यहां तो पचपन चाहिए हर गेम पे छक्का मारोगे तो भी नहीं होगा चलिए ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला बड़ा मुकाबला लेकिन कड़ा नहीं हुआ इसकी थोड़ी सी हमारे क्रिकेट प्रेमियों को आ, ये बात खल रही होगी लेकिन ये ओवर कंप्लीट हुआ हमारे दोनों अंपायर जो है आखिरी ओवर बचा हुआ है बोल रहे हैं और चवालीस तीन विकेट के नुकसान पे चार ओवर का खेल खत्म होने के बाद चवालीस तो बहुत मुश्किल है मंजिल बहुत ही दूर और बहुत ही बहुत ही कंट्रोल के बाहर मुश्किल नहीं नामुमकिन ऐसे कही लफ्स यूज कर सकते हम यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ ये शॉर्ट है लेकिन भाई ये कुछ पहले दो तीन ओवर बाद या दो तीन ओवर पहले आता तो मजा आता पहले दो तीन ओवर के पहले आता तो मजा आता लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है चलिए यहां से मुकाबला टीम शिरूर बिल्कुल नहीं जीत सकती ऐसी परिस्थिति तैयार हो चुकी है अड़तालीस बी तीन नाइन्टी थ्री का टारगेट अभी भी 45 रनों की आवश्यकता बहुत जोर से मारा है भाई ये गुस्से वाला शॉट है पूरा गुस्सा उतार दिया पूरा गुस्सा उतार दिया इस शॉट के ऊपर लेकिन देर हो चुके मैं कह चुका हूं भाई देर हो चुके है लेकिन कोई बात नहीं चली है खुद के लिए प्रैक्टिस तो करें अंडर लाइट का अनुभव तो ले भी ए भी उठा के पटक दिया स्टैंड एंड डिलीवर रॉयल शर्मा काइंड ऑफ शॉट सिक्स रन चलिए जाते जाते कुछ भगा रहे हैं और अपने जगह पर खड़े खड़े खेल रहे और काफी लंबे लंबे छक्के खेल रहे और इसी को बिल्कुल भी इसी को ही कहा जाएगा मारा कम घसीटा ज्यादा लेकिन देर बहुत कर दी मारने के लिए वक्त जरूर था लेकिन शुरुआत में था अब ये फिर ऊपर मारा है विकेट किरण साहब ने अभिजीत की तरफ इशारा कर दिया भाई आप ही ले लो चले इस वक्त मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे तो आप करिए अजून तेत्तीस धावांची गरज आहे सामना आणि या तेहतीस धावा करण्यासाठी चेंडू मात्र अगदी चिमट बर उरले फारच थोडे अशक्य प्राय असं हे आव्हान आता आहे तर नक्कीच टीम बॅटिंग करत असलेली शिरूर आणि रामलिंग लिंगिल शिरूर आपण आमच्या स्पर्धेमध्ये दे सहभाग नोंदवला चांगला खेळ दाखवायचा प्रयत्न केला प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली आपण पण यशाने हुलकावणी दिली अपयश पदरात पडलंय मात्र आपला जो काही सहभाग होता तो आमच्यासाठी फार आनंददायी होता आमच्या प्रेक्षकांच्या साठी फार मौलिक होता तर आपल्या या सहभागासाठी आपलं खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप आभार आणि पुढील वर्षी सुद्धा आपली आपली आपल्याकडूनची साथ आम्हाला शिस्त मिळेल अशी अपेक्षा